बढ़ती है और ऑब्वियसली क्रॉपिंग के लिए अगर यू नो लोन्स की रिक्वायरमेंट आती है तो पहला बेनिफिट मनप्पुरम और मुथूट को आएगा, क्योंकि रूरल रीच इनका काफी अच्छा है कंपेयर्ड टू पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो जिनके पास है वो होल्ड करें दीपांशु, लेकिन हो सकता है कि आने वाले एक या दो क्वार्टर्स में ग्रोथ थोड़ा सा मॉडरेट हो, मार्जिन थोड़े दबाव में हो, और होपफुली अगले साल डेफिनेटली इसमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। इस साल मुझे लग रहा है कि यू नो मुथूट फाइनेंस ने भी कमेंट्री में कहा था कि थोड़ा सा यू नो ग्रोथ मोमेंटम थोड़ा सा मॉडरेट हो चुका है, कॉम्पिटिशन बढ़ा है, तो नेट नेट होल्ड करिए बट फ्रेश बाइंग न करें, ऐसी ऐसा सुझाव क्या होगा? होल्ड करिए बट फ्रेश बाइंग नहीं करनी है, ये आपके लिए तैयारी मनप्पुरम पर, इस पर रखें नजर। वागले साहब भी है, वागले